अगर मनुष्य को जिंदा रहना है तो पक्षियों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे। आपको अजीब तो लगेगा, आज जो मैं बात कहने जा रहा हूँ आपको अजीब तो लगेगा, लेकिन सत्य यही है। गर्मियाँ प्रारंभ हो चुकी हैं, टेम्परेचर 40-45 डिग्री हो चुका है। आपने अपने फ्रीज, टीवी, कूलर, पंखे, एसी, अपने गर्मी का सारा सामान तैयार कर लिया होगा, लेकिन आप एक चीज़ भूल गए। हमारे परिवार में एक सदस्य और भी है जिसे हम भूल चुके हैं। जी हाँ, गौरय है, नाम तो सुना ही होगा। एक छोटी सी चिड़िया जो आपके घर आंगन में आकर के चहचहाया करती थी, देखा होगा आपने, गौरय, जो हमारे ही घर का एक सदस्य, वर्षों से नहीं पीढ़ियों से, और हम उन्हें भूल चुके हैं। कैसे भूल गए? आप समझ गए होंगे मेरी बात। हमें गर्मियों में उनका भी इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि गौरैया एक ऐसा पक्षी होता है जो इंसान के घरों में ही अपना घरौंदा बनाता है। आज हमने उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, उसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अपनी छतों पर, अपने आंगन में, अपनी बालकनी में, अपनी खिड़की पर उसके लिए जल, पानी के सकूरे रखें। साईं दरबार इस काम में सबसे पहल और सबसे नंबर वन पर कार्य करता है। मंदिर मंदिर पर जाकर के, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, धौलपुर में जहाँ भी स्थान मिलता है, साईं दरबार ने सकोरे लटकाए हुए हैं, जहाँ चिड़ियाँ पानी पी सकती हैं। जगह जगह बाजरा उनके लिए खाने का इंतजाम करते हैं साईं दरबार के लोग। मुदित रहा साईं दरबार, नाम तो सुना ही रखा होगा आपने। केवल मात्र मेरी कल्पना नहीं, जब मैं सिद्ध बाबा पर, आपने देखा होगा मेरी सिद्ध बाबा की वीडियो, जब मैं सिद्ध बाबा पर वीडियो बना रहा था तो वहाँ पर मुझे कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई। वहाँ का जो तालाब था, जिस तालाब में से सिद्ध बाबा प्रकट हुए थे, वो तालाब सूख चुका था, पक्षी पानी के लिए व्याकुल हो रहे थे। उस समय मेरे मन में एक संकल्प आया कि क्यों ना इन पक्षियों के लिए, जितने भी साईं दरबार के लोग हैं, उन सबको ये संदेश दिया जाए कि अपने अपने घरों में, अपने आसपास के मंदिरों पर सकोरे रखवाएं। साईं दरबार इस काम में पहल करता है। ये वीडियो मैं अपनी पॉपुलैरिटी या अपने चैनल की पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये केवल जीव मात्र की सेवा के उद्देश्य से बना रहा हूँ। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें। साइंस भी इस तथ्य को मानता है कि प्राणी बिना भोजन कई दिन जीवित रह सकता है, लेकिन बिना जल के जीवित नहीं रह सकता है। और हमारे कवियों ने भी कहा है, पानी के बिना सब कुछ सूना होता है। इसीलिए प्लीज़ आपसे निवेदन करते हैं, आज जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस पक्षियों की जल व्यवस्था देखें और इस अपने परिवार के सदस्य के बारे में थोड़ा सोचें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। जुड़े रही राम सर जी के साथ।